हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है उग्र सिंह पूनिया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल यूनिक लेव ऑफ नॉलेज। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा वीडियो है ये है मॉडल पेपर के बारे में। मैं इस वीडियो के अंदर आपको एक मॉडल पेपर है वो हल करवाऊंगा, क्योंकि अभी कक्षा 12 के एग्ज़ाम आने वाले हैं, 29 फरवरी से शुरू होने वाले हैं। तो हम मॉडल पेपर इस वीडियो के अंदर हल करके देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का आएगा और किस तरीके से पेपर को हल करना है, क्योंकि इस सेशन से आपका सिलेबस में थोड़ा बदलाव किया गया है और जो पेपर है उसके पैटर्न के अंदर ही थोड़ा बदलाव किया गया है। तो उस नए पैटर्न के हिसाब से जो मॉडल पेपर है वो हम करेंगे। इसी टाइप का पेपर आपको वार्षिक परीक्षा के अंदर मिलेगा। तो इस मॉडल पेपर के अंदर यानी इस वीडियो के अंदर हम एक शुरू के दो क्वेश्चन हैं वो हल करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है वो आपके 9 मार्क्स का आता है, 9 नंबर का पहला क्वेश्चन है जो आता है, जिसके अंदर देखिए आप यहाँ पे आपके सामने 9 क्वेश्चन आएंगे। सभी क्वेश्चन है वो एक एक नंबर के होंगे। तो इसको हम हल करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पूरा पैराग्राफ, उसके बाद में क्वेश्चन दिए हैं सारे हल करेंगे। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है वो भी अनसीन पैसेज का ही होगा, लेकिन ये 9 नंबर का नहीं होगा, ये 6 नंबर का होगा। और प्रत्येक क्वेश्चन है वो 1 नंबर का होगा, यानी इसके अंदर टोटल जो कुल मिला करके है वो 6 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे एक एक नंबर के 6 क्वेश्चन आपको इसके अंदर दिए गए होंगे। तो पहले हम पहले वाला जो अनसीन पैसेज है उसको हल करेंगे और उसके बाद में ये दूसरा भी हल करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम दोनों अनसीन पैसेज है उनको हल करेंगे। तो चलिए पहले मैं आपको हिंदी ट्रांसलेशन है वो इस पहले अनसीन पैसेज का जो कि 9 नंबर का आएगा इसका बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, इस पैसेज को सावधानी से पढ़ना है, एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और नीचे लिखे हुए क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है। चलिए सबसे पहले मैं पढ़ के सुना देता हूँ। ये रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में है पूरा पैसेज। रविंद्रनाथ ठाकुर, इसमें ठाकुर लिखा है स्टूडेंट्स, ठाकुर इसलिए लिखा है क्योंकि ये ठाकुर ही थे। बाद में अंग्रेजों का जो उच्चारण था बोलने का ठेकुर ठेकोर ठेकोर करके इसे टैगोर हो गया था। तो ठाकुर से आप कन्फ्यूज मत होइएगा, ये रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में ही है। रविंद्रनाथ ठाकुर वॉज बॉर्न इन कलकत्ता ऑन May 7, 1861। रविंद्रनाथ टैगोर जो है उनका जन्म है वो कलकत्ता में हुआ था, और कब हुआ था वो आपको यहाँ पे बताया हुआ है, 7 मई 1861 को। हिज फादर देवेंद्रनाथ ठाकुर वॉज ए वेल नोन सोशल एंड रिलीजियस लीडर। इनके पिताजी का नाम जो है वो था देवेंद्रनाथ ठाकुर, और वो क्या थे, सोशल एंड रिलीजियस लीडर, एक सामाजिक और धार्मिक नेता थे। इन स्कूल स्कूल में रविंद्रनाथ फाउंड द टीचिंग टू एलिमेंट्री। रविंद्रनाथ जो थे उनको जो टीचिंग है पढ़ाई स्कूल की वो एलिमेंट्री लगी, यानी बहुत ही ज़्यादा सिंपल लगी। एलिमेंट्री मतलब सिंपल, आसान, प्रारंभिक, बहुत ही ईजी जो होता है उसको बोलते हैं एलिमेंट्री। तो उनको बहुत ही एलिमेंट्री लगी थी स्कूल की पढ़ाई। इट डिड नॉट टेक हिज टीचर लॉन्ग टू रिकोगनाइज हिज हाई इंटेलिजेंस, और उनके जो टीचर थे उन्होंने उसकी हाई इंटेलिजेंस को, रविंद्रनाथ टैगोर की हाई इंटेलिजेंस को, बुद्धिमता को जल्दी ही पहचान लिया था। ही वॉज गिवन मैकबेथ टू ट्रांसलेट, उनको मैकबेथ उपन्यास है स्टूडेंट्स, एक शेक्सपियर का लिखा हुआ, टू ट्रांसलेट वो उपन्यास दिया ट्रांसलेट करने के लिए। एंड टू एवरी वन इज सरप्राइज, और सभी को आश्चर्य हुआ, रविंद्रनाथ मेड ए वेरी गुड ट्रांसलेशन इन टू बंगाली। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस उपन्यास का मैकबेथ का बंगाली भाषा में बहुत ही अच्छा ट्रांसलेशन किया था। However, his limitless curiosity, उनकी जो limitless curiosity कहते हैं जिज्ञासा को, उनकी जो limitless जिज्ञासाएँ थी to know more and newer things, अधिक और नई नई चीज़ों को जानने की, could not be satisfied in school, वो स्कूल के अंदर पूरी नहीं हो सकती थी। It was therefore, इसीलिए decided to withdraw him from there, इसलिए उन्होंने स्कूल को स्कूल से विदड्रॉ होना ही उचित समझा, उन्होंने स्कूल को छोड़ दिया था। फॉर 4 ईयर्स, 4 सालों तक, फ्रॉम द एज ऑफ 13 to 17, 13 साल से लेकर 17 साल की उम्र तक, ही स्टडीड ए वाइड वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स एट होम, उन्होंने बहुत सारे सब्जेक्ट, अलग अलग विषय घर पर पढ़े। अबाउट द सेम टाइम ही वॉज ड्रोन टू नेचर एंड आर्ट्स, और इसी समय यानी 13 साल से 17 साल की उम्र के बीच में वो नेचर, प्रकृति और आर्ट्स, कला की तरफ आकर्षित हुए। उसके बाद में आगे लिखा है फ्रॉम 1881 ऑनवर्ड्स, 1881 से हिज टैलेंट एज ए राइटर एक्सप्रेस्ड इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ काउंटलेस कंपोजिशन, पोएट्री, ड्रामा, म्यूजिक, फिक्शन, फिलोसफी एंड पेंटिंग। 1881 के अंदर उनका जो टैलेंट था राइटर के रूप में
वो किस रूप में निकला देखिए, काउंटलेस कंपोजिशंस, यानी बहुत सारे अनगिनत उन्होंने कंपोजिशंस लिखे, जिसमें कविताएं थी, ड्रामा था, म्यूजिक की बुक्स थी, फिक्शन था, फिलोसफी दार्शनिक बुक्स थी, पेंटिंग, इनके रूप में उनका जो टैलेंट था वो बाहर निकला। ही रोट नियरली 50 प्लेस, उन्होंने लगभग 50 नाटक लिखे, 100 बुक्स ऑफ वर्स, 100 किताबें कविताओं की, पोइट्री की उन्होंने लिखी, एंड 40 वॉल्यूम्स ऑफ फिक्शन, और 40 बुक्स जो उन्होंने उपन्यास के या फिक्शन के लिखे, एंड फिलोसफिकल राइटिंग्स, और दार्शनिक जो बुक्स है वो उन्होंने लिखी थी। इन 1901 ही फाउंडेड ए स्कूल एट शांति निकेतन नियर बोलपुर इन बंगाल। 1901 में उन्होंने एक स्कूल की स्थापना करी थी जिसका नाम था शांति निकेतन, और ये कहाँ पे था, बोलपुर में, बंगाल के पास में। इन 1922 इट वॉज चेंज्ड इनटू एन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कॉल्ड विश्व भारती। इस स्कूल का नाम बदल करके क्या कर दिया गया था, विश्व भारती, और ये एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बन गई थी। स्कूल की स्थापना करी थी लेकिन आगे चल करके ये एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, उसमें बदल गया था ये वाला स्कूल। इसके बाद में आगे देखिए, द वर्क विच बॉट हिम यूनिवर्सल रिकॉग्निशन, तो उनका जो कार्य था जिससे उनको यूनिवर्सल रिकॉग्निशन मिली, यानी अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली, वैश्विक पहचान मिली, वो जो कलेक्शन ऑफ पोएम्स नेम्ड गीतांजलि, वो एक कविताओं का संग्रह था, कलेक्शन ऑफ पोएम्स, और उसका नाम था गीतांजलि, बहुत फेमस इनका एक कविताओं का संग्रह है रविंद्रनाथ टैगोर का। दिस वन हिम नोबल प्राइज इन लिटरेचर इन 1913, और इस गीतांजलि बुक के लिए इनको नोबल प्राइज भी मिला था, तो बहुत बड़ा पुरस्कार होता है ये, लिटरेचर के अंदर इनको मिला था, और 1913 के अंदर इनको ये पुरस्कार मिला था, एंड मेड हिम इंटरनेशनली फेमस, और इस वजह से ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हो गए थे। रविंद्रनाथ वॉज ए ग्रेट नेशनलिस्ट एंड पेट्रियट, रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो एक राष्ट्रवादी थे और देशभक्त थे, पेट्रियट मतलब देशभक्त, देश से प्यार करने वाले थे। ही फेल्ट सो बिटर अबाउट द जलियांवाला बाग ट्रेजिडी इन 1919, उनको जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, जो दुर्घटना हुई थी 1919 में, उसको लेकर के बहुत दुख हुआ था। देट इज ए प्रोटेस्ट, और विरोध स्वरूप ही गेव अप नाइटहुड विच द ब्रिटिश हैड अवॉर्डेड हिम अर्लियर, और उन्होंने नाइटहुड की जो उपाधि है वो गिव अप कर दी थी, गिव अप का मतलब छोड़ देना, त्याग देना, वापस लौटा देना। नाइटहुड की उपाधि उनको अंग्रेजों ने दी थी पहले, वो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके विरोध स्वरूप उन्होंने अंग्रेजों को वो उपाधि वापस कर दी थी। तो ये पैराग्राफ था, अनसीन पेसेज था स्टूडेंट्स। अब हम इसके क्वेश्चन पढ़ते हैं देखिए, और उनके आंसर भी मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर। पहला क्वेश्चन लिखा है, व्हेन एंड वेयर वाज रविंद्रनाथ ठाकुर बोर्न, रविंद्रनाथ ठाकुर कब और कहाँ पैदा हुए थे। तो इसका आंसर देखिए शुरू में यहाँ पे लिखा हुआ है, पहली ही लाइन के अंदर इसका आंसर लिखा हुआ, देखिए ये रहा, रविंद्रनाथ ठाकुर वॉज बोर्न इन कलकत्ता ऑन May 7, 1861, ये इसका आंसर आ जाएगा पहले क्वेश्चन का। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाई वाज रविंद्रनाथ विथड्रॉन फ्रॉम स्कूल, रविंद्रनाथ है वो स्कूल से क्यों हट गए थे, विथड्रॉ क्यों हो गए थे। तो इसका हमने पढ़ा था यहाँ पे, एक पैराग्राफ में आया था ये, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से शुरू करेंगे अपने, देखिए मैं बताता हूँ एक ये वाला, हाउएवर हिज लिमिटलेस क्यूरियोसिटी टू नो मोर एंड न्यूअर थिंग्स, उनको बहुत नई नई चीज़ें जाननी थी और अधिक चीज़ें जाननी थी, ज़्यादा ज्ञान अर्जित करना था, कुड नॉट बी सेटिस्फाइड इन स्कूल, वो स्कूल के अंदर सेटिस्फाई नहीं हो सकते थे, यानी वो स्कूल से वो नहीं सीख सकते थे, इसलिए उन्होंने स्कूल से विदड्रॉ कर लिया, यानी स्कूल छोड़ दिया था। तो ये उसका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड ही एक्सप्रेस हिमसेल्फ एज ए राइटर, राइटर के रूप में उन्होंने अपने आप को किस तरीके से एक्सप्रेस किया था। तो राइटर के रूप में उन्होंने क्या किया था वो हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, ही रोट नियरली 50 प्लेस, 50 नाटक लिखे, 100 बुक्स ऑफ वर्स, 100 पोएम की बुक्स लिखी थी, 40 वॉल्यूम्स ऑफ फिक्शन एंड फिलोसॉफिकल राइटिंग्स। तो इस तरीके से वो राइटर के रूप में उन्होंने काम किया था, उस क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच बुक ऑफ हिम वन हिम नोबल प्राइज इन लिटरेचर, कौन सी किताब की वजह से उनको लिटरेचर के अंदर नोबल पुरस्कार मिला था। तो उसका आंसर हमने अभी अभी पढ़ा है स्टूडेंट्स, ये रहा यहाँ पे, ये देखिए गीतांजलि, ये देखिए यहाँ पे गीतांजलि,
दिस वन हिम नोबल प्राइज लिटरेचर 1913। ये देखिए गीतांजलि क्या था, ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स, उसका नाम था गीतांजलि। इस बुक के लिए इनको नोबल पुरस्कार मिला था लिटरेचर के अंदर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। राइट डाउन द नेम ऑफ यूनिवर्सिटी फाउंडेड बाई हिम, उस यूनिवर्सिटी का नाम आपको लिखना है जिसकी उन्होंने खोज करी थी। तो वो यूनिवर्सिटी को ना उन्होंने एक स्कूल की स्थापना करी थी और उस स्कूल का नाम क्या था, ये लिखा है यहाँ पे देखिए, शांति निकेतन। ठीक है, इन 1922 इट वॉज चेंज्ड इनटू एन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कॉल्ड विश्व भारती। ये एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बन गया था और उसका नाम बना विश्व भारती। तो ये शांति निकेतन स्कूल से आपसे पूछा है कौन सी यूनिवर्सिटी की उन्होंने स्थापना करी थी, तो आपका आंसर होगा विश्व भारती, विश्व भारती यूनिवर्सिटी यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद में आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 6। व्हाई डिड रविंद्रनाथ गिव अप द टाइटल ऑफ नाइटहुड, रविंद्रनाथ ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दी थी। तो ये यहाँ पे लिखा देखिए, ही फेल्ट सो बिटर अबाउट द जलियांवाला बाग ट्रेजिडी 1919 दैट एज ए प्रोटेस्ट, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से उनको बहुत पीड़ा हुई थी और इसके विरोध स्वरूप उन्होंने नाइटहुड की उपाधि जो है वो लौटा दी थी अंग्रेजों को वापस। तो नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटाई थी उन्होंने, जलियांवाला बाग हत्याकांड का अपना जो विरोध है वो दिखाने के लिए अंग्रेजों से। इसके बाद में ये क्वेश्चन आएंगे, देखिए तीन क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आपको वर्ड मीनिंग एक तरीके से वन वर्ड टाइप ये क्वेश्चन होते हैं, वो भी आपको तैयार करनी है, इनकी भी आपको तैयारी करनी है। पहला क्वेश्चन है देखिए, ए पर्सन हु लव्स हिज कंट्री, एक व्यक्ति जो अपने देश को प्यार करता है उसको क्या कहते हैं, आपको पता ही होगा सभी को, ये लिखा है यहाँ पे देखिए, पेट्रियट, देशभक्त, देश से प्यार करने वाले को क्या कहते हैं, देशभक्त, पेट्रियट। दूसरा है इजी नॉट कॉम्प्लिकेटेड, जो बहुत ज़्यादा इजी होता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है उसको क्या कहते हैं, आसान। तो इसका आंसर ये देखिए यहाँ पे ये लिखा है एलिमेंट्री, ये इसका आंसर आ जाएगा, एलिमेंट्री यानी आसान, जो मुश्किल नहीं होता है, ईजी होता है, वही आपसे पूछा है। और तीसरा ए पीस ऑफ पोइट्री, पोइट्री का एक जो पीस है, जो कार्य है, एक संग्रह है, वो क्या, उसको क्या बोलते हैं, तो उसका यहाँ पे दिया हुआ है 100 बुक्स ऑफ वर्स, वर्स ये आपका आंसर आ जाएगा, वर्स, उसको वर्स बोलते हैं पोइट्री को। ठीक है, तो ये पहला अनसीन पेसेज था। इसके बाद में देखिए दूसरा अनसीन पेसेज, एक और अनसीन पेसेज आएगा लेकिन ये 9 नंबर का नहीं होगा, इसके नंबर होंगे 6, यानी 6 ही क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे और ये 6 नंबर का होगा। चलिए इसको भी पढ़ते हैं, फिर इसके क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको बताऊंगा। सेल्फी, ये सेल्फी के बारे में, जैसे पहला रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में था, तो ये सेल्फी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड होता है सेल्फी लेने का, उसके बारे में है ये। देखिए, सेल्फी इज द लेटेस्ट ट्रेंड, सेल्फी है वो लेटेस्ट ट्रेंड है इन टीनेजर, टीनेजर जो हैं, मतलब जो किशोर हैं 13 से 19 साल के बीच में जो आयु होती है, तो टीनेजर के लिए सेल्फी एक ट्रेंड बन गया है। एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर रिस्किंग देयर लाइव्स टू टेक ए सेल्फी, और सैकड़ों लोग हैं वो सेल्फी लेने के लिए अपने जीवन का भी जोखिम उठाते हैं। विच विल फेच देम मोर लाइक्स, जिससे उनको अधिक लाइक्स मिलते हैं ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर जैसे इंस्टाग्राम फेसबुक इनके ऊपर डालते हैं, लाइक्स मिलते हैं उनको बहुत ज़्यादा। इसके लिए फेमस सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स एनकरेज यूजर्स टू टेक सेल्फीज, और जो फेमस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक हैं, यूट्यूब हैं, ये उनको सेल्फी लेने के लिए एनकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। सेल्फी ट्रेंड इज यूज इन पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट कैंपेन टू, सेल्फी ट्रेंड जो है वो राजनीति के अंदर भी यूज होता है और सरकार के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है, यानी सरकार भी इसका किसी ना किसी तरीके से यूज करती है। व्हेन पीपल टेक सेल्फी, जब लोग सेल्फी लेते हैं एंड पोस्ट इट ऑन सोशल मीडिया, और जब इसको सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं, दे गेट लाइक्स एंड शेयर्स, तो उनको लाइक्स मिलते हैं और लोग उनकी सेल्फी को शेयर करते हैं। इट मेक्स देम फील गुड अबाउट देमसेल्व्स, इससे उनको अपने बारे में अच्छी फीलिंग आती है। पीपल वो जनरली डोंट एक्सप्रेस देमसेल्व्स, लोग जो प्राय अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, कैन शो देयर इमोशंस थ्रू इट, वो इसके माध्यम से अपने इमोशन से वो दिखा सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, शर्मिले टाइप के होते हैं, तो वो सेल्फी के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से अपना जो इंटरेस्ट है वो दिखा सकते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के। दो सेल्फी इन देमसेल्फ्स आर हार्मलेस, हालांकि सेल्फी है वो नुकसानदायक नहीं है, हार्मलेस है, नुकसान नहीं होता है कुछ भी। पीपल्स बिहेवियर अराउंड देम एड नेगेटिव
कॉनोटेशंस टू देम, लेकिन आसपास के लोग हैं वो नेगेटिव अर्थ भी इसका लगा लेते हैं। कॉनोटेशंस मतलब मीनिंग या अर्थ बोल सकते हो आप। देर आर हंड्रेड्स ऑफ रिपोर्टेड डेथ्स बिकॉज ऑफ सेल्फी, सेल्फी की वजह से सैकड़ों मौतें हैं वो भी दर्ज होती है। बहुत सारे लोग हैं वो सेल्फी की वजह से उनकी डेथ भी हो जाती है, मृत्यु भी उनकी हो जाती है। बहुत सारे लोग हैं उनकी जिंदगियां चली जाती है सेल्फी लेने की वजह से। देखिए, पीपल गो टू डेंजरस प्लेसेस सच एज रेलवे लाइन्स, लोग हैं वो रेलवे लाइन्स जैसे खतरनाक स्थानों पर जाते हैं, क्लिफ्स चट्टानों पर जाते हैं, बिल्डिंग टॉप्स और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनके शिखर पर चढ़ जाते हैं, डैम और बांध है वहाँ चले जाते हैं टू टेक ए सेल्फी, सेल्फी लेने के लिए। तो कई बार दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। समटाइम्स एन एक्सीडेंट हैपन्स इन सच प्लेसेस, कभी कभी ऐसे स्थानों पर दुर्घटना भी हो जाती है, एक्सीडेंट भी हो जाता है, कॉजिंग द डेथ ऑफ पर्सन टेकिंग सेल्फी, और उस व्यक्ति की मौत हो जाती है जो सेल्फी ले रहा होता है। हाउएवर पीयर प्रेशर मेक्स टीनेजर्स, पीयर प्रेशर क्या होता है, देखिए अपनी ही उम्र के जो बच्चे होते हैं या अपनी हम उम्र होते हैं उनके बीच में अपना प्रभाव दिखाना या उनके बीच में अपनी उपस्थिति महसूस करवाना, उसको कहते हैं पीयर प्रेशर। मेक्स टीनेजर एंड यूथ टेक रिस्की एक्शंस, वो बच्चों को टीनेजर को लोगों को रिस्की एक्शन लेने के लिए प्रेरित करता है। इज सेल्फी गुड और बैड, तो क्या एक सेल्फी बुरी है या अच्छी है, इट डिपेंड्स ऑन अस, ये हम पर डिपेंड करता है। हाउ क्रेजी वी आर फॉर ए सेल्फी, हम सेल्फी के लिए कितने क्रेजी हैं, हाउ मच इम्पोर्टेंस वी आर गिविंग टू इट, और हम इसको कितना महत्व देते हैं। देर इज नथिंग बेड इन टेकिंग सेल्फी, सेल्फी लेने में कुछ भी बुराई नहीं है, बट वन शुड नॉट अलाउ दिस एडिक्शन टू टेक कंट्रोल ओवर अवेयरनेस आवर सेंसेस, लेकिन किसी को भी सेल्फी लेने की जो आदत है उसको हमारी सेंसेस के ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, हमारी जो सेंसेज है उसके ऊपर वो हावी नहीं होनी चाहिए। ये सेल्फी के बारे में अनसिन पेसिस था। इसके क्वेश्चन लिखे हैं नीचे, देखिए 6 क्वेश्चन लिखे हैं, एक एक नंबर के हैं, तो इनको मैं हल करता हूँ और आपको बताता हूँ इनके आंसर कहाँ हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लेटेस्ट ट्रेंड ऑन सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया के ऊपर सबसे लेटेस्ट ट्रेंड क्या है बताइए। इसका आंसर तो आपको पता ही चल गया होगा, पैराग्राफ आपको देखने की जरूरत भी नहीं है। देखिए देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे शुरू में लिखा हुआ है पहली लाइन के अंदर, सेल्फी इज द लेटेस्ट ट्रेंड्स ऑन सोशल मीडिया, ये इसका आंसर आ गया। टेकिंग सेल्फी आप लिख सकते हो, टेकिंग सेल्फी इज द लेटेस्ट ट्रेंड ऑन सोशल मीडिया। दूसरा है, हाउ कैन पीपल हु जनरली कांट एक्सप्रेस देमसेल्व्स शो देयर इमोशंस, वे लोग जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं वे अपना इमोशंस कैसे दिखाते हैं, ये भी आंसर आपको पता ही होगा, इसका पैराग्राफ में देखने की जरूरत नहीं है, कि जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं वो सेल्फी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपना जो प्रभाव है वो छोड़ने की कोशिश करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, ये रहा इसका आंसर। पीपल हु जनरली डोंट एक्सप्रेस देमसेल्व्स कैन शो देयर इमोशंस थ्रू सोशल मीडिया, इट की जगह आप लिखेंगे सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया के माध्यम से यानी इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, वो इसके माध्यम से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यस और नो में आपको आंसर देना है, कैन टेकिंग सेल्फीज समटाइम्स प्रूव टू बी हार्मफुल, क्या सेल्फी लेना कभी कभी हार्मफुल होता है, नुकसानदायक होता है, बिल्कुल यस होता है। सेल्फी लेना, आपने यहाँ पे लिखा था, देखिए सेल्फी लेने से क्या होता है, देखिए डेंजर स्थानों पे जैसे रेलवे लाइन पे, बिल्डिंग टॉप, क्लिफ्स, डैम्स, यहाँ पे जाते हैं और एक्सीडेंट हो जाते हैं कभी कभी ऐसे स्थानों पर, तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो यही होगा कि कभी कभी सेल्फी लेना बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है, इससे मौत भी हो सकती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, विच हैबिट शुडंट बी अलाउड टू टेक कंट्रोल ओवर अवर सेंसेस, कौन सी आदत को अपने को अपनी सेंसेस के ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, तो इसका आंसर ये यहाँ पे आया था, टेकिंग सेल्फी, ये जो आदत है सेल्फी लेने की, द हैबिट ऑफ टेकिंग सेल्फी, इसको हमें एडिक्शन नहीं बनने देना चाहिए और अपने सेंसेस के ऊपर इसको हावी नहीं होने देना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा है, विच हैबिट शुडंट बी अलाउड टू टेक कंट्रोल ओवर आवर सेंसेस, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा, द हैबिट ऑफ टेकिंग सेल्फी शुडंट बी अलाउड टू टेक कंट्रोल ओवर आवर सेंसेस। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे एक सिमिलर वर्ड पूछा जाएगा और क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे एक ऑपोजिट वर्ड पूछा जाएगा। पांचवा देखिए, राइट द वर्ड फ्रॉम द बेसिस विच मीन्स फ्रेंड्स ऑफ सेम एज इंटरेस्ट एंड जॉब, यानी एक ही उम्र के, एक ही रुचि के और एक ही कार्य करने वाले लोगों का जो ग्रुप होता है
उसको क्या कहते हैं? ये देखिए, यहाँ पे शब्द आया था, हमने पढ़ा था पीयर, पीयर प्रेशर। तो फ्रेंड्स ऑफ सेम एज इंटरेस्ट एंड जॉब, इसका अर्थ होता है पीयर, ठीक है। और पीयर प्रेशर क्या होता है? अपने एज के जो लोग हैं उनके बीच में अपना प्रभाव दिखाना, अपना उपस्थिति महसूस करवाना, उसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा है ऑपोजिट वर्ड, राइट द ऑपोजिट वर्ड ऑफ डिस्करेज फ्रॉम द पैसेज। पैसेज में से ढूंढ करके आपको डिस्करेज का ऑपोजिट वर्ड ढूंढना है। आपको पता चल ही गया होगा डिस्करेज का ऑपोजिट वर्ड क्या होता है, लेकिन आपको पैसेज में से ढूंढ के लिखना है। ये रहा, देखिए एनकरेज, डिस्करेज का ऑपोजिट वर्ड क्या होता है? एनकरेज। तो स्टूडेंट्स ये शुरू के दो पैसेज आएंगे, जिसमें से पहला जो पैसेज था वो था आपका ये 9 नंबर का, जिसमें 9 क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन सीधे आए थे और 3 क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे जो वन वर्ड बोल सकते हो आप जिनको। और दूसरा है वो 6 अंक का आएगा और इसके अंदर एक सिमिलर वर्ड आपसे पूछा जाएगा और एक ऑपोजिट वर्ड आपसे पूछा जाएगा, 6 नंबर का होगा। तो आगे का जो पेपर है वो अगली वीडियो के अंदर करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।